Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimaru Movies. खानदान को नगाड़े की चोट पर भी नींद नहीं खुलती। दुनिया के सारे काम काज शुरू हो गए और ये मनहूस लोग बिस्तर पर मस्ती ले रहे हैं। अरे स्वर्ग से तुम्हारे पुरखे उतरेंगे काम करने के लिए। उठते हुए उठाओ झाड़ू, चलो उठो। जल्दी जल्दी काम करो। दीदी दीदी सिंड्रेला कौन थी? मैं बताती हूँ, सिंड्रेला लंका की राजकुमारी थी। वो तो इंग्लैंड की रानी थी जो जहर खा के मर गई। चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम सिंड्रेला एक परी। मुझे सिंड्रेला की पूरी कहानी सुनाओ। पूरी कहानी से नहीं आती दीदी। दीदी मुझे सिंड्रेला की कहानी सुनाओ। ये घटाने का वक्त है, अभी कहानी सुनाने बैठ जाऊंगी तो काम कौन करेगा? पहले कहानी बाद में काम। और उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और उसके दूसरी सौतेली माँ थी, उसकी जिंदगी खराब हो गई बेचारे की। अरे कैसे शर्म कहेंगे, वहां से उछल के यहाँ कहाँ पहुंच गए हैं? और ये घर में शांति कैसे है, जरा जाकर देखो तो सही। ये चुड़ैल हमारे बच्चों को लेकर कहाँ चली गई? मंगला तो कहीं काम में लगी होगी। मंगला तो कहीं काम में लगी होगी। तुम्हारी भांजी को मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे बच्चे पढ़े या चूल्हे में जाए, कहीं कोने में बैठे कहानी सुना रही होगी। ऊपर से एक परी आई। परी ने देखा सिंड्रेला बेचारी इतनी अच्छी लड़की है और उसके सब ऐसे करते हैं। परी माँ ने उसको कहा कि सिंड्रेला तुम रो मत, मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगी। मनहूस कहीं की चुड़ैल, पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, सगाई पक्की की, टीका लगाते ही मंगेतर चल बसा। हम लोग तो राजा के महल में जा रहे हैं। अच्छा
तो यहाँ महलों के सपने देखे जा रहे हैं, खुद तो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, ऊपर से मेरे बच्चों को भी बिगाड़ रही है। अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, किताबें उठाओ चूल्हे में डाल दो, चलो। बेशरम कहीं की निर्लज, तू तो मेरी जान खाते रहेगी। सवेरे सवेरे काम का समय है, कहानियां सुनाने का। बोल। शांति देवी, शांति। तुम चुप रहो जी। आशीर्वाद दो, शुभ काम के लिए जाना है, शगुन मत बिगाड़ो। क्या नई नौटंकी जमाना है? ओहो, नई नौटंकी नहीं, मंगला का रिश्ता तय करने जाना है। तो पहले क्यों नहीं बताया? जाना है तो जल्दी जाओ और रिश्ता तय करके ही आना। वहाँ बहुत समझदारी से बात करना, बहुत पतर पतर नहीं करना। हम लोग लड़की वाले हैं, हमको तब ही चलना चाहिए। बड़ी आस लेकर तुम्हारे चरणों में आई हूँ भगवान। तुम अगर सहारा नहीं दोगे तो मेरा जीना कठिन हो जाएगा। सबकी दुखरते हो, उस दुखियारी को क्यों भूल गए? आज अगर मामा निराश लौटे तो मैं समझूंगी तुम्हारी दया की सारी कथाएं झूठी है। कथाएं कभी झूठी नहीं होती, भगवान तो बहुत दयालु होते हैं, मगर वो कभी छुपकर, कभी इंसान के रूप में आकर लोगों का भला करते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप भला मुझे ना पहचानिए, इंसान में छुपे भगवान को पहचानिए, वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पहले ये बताओ समधी ने जवाब क्या दिया? चंचल समधन के तीरों की मुझ पर भारी भरमार हुई, कतमटकत फिर रिश्ते को मेरी समधन तैयार हुई। बोरसिया वरसी रामचंद्र की जय जय जय। तो क्या वो लोग मान गए? हाँ मेरी तोती, इसीलिए तो मैं अलाप रहा हूँ। हे भगवान, तू कितना दयालु है, इस मूर्ख को भी समझदार बना दिया। अरे तुमने तो मंगला का रिश्ता तय करके सारा घर संभाल लिया। उसे बताऊंगी तो बड़ी खुश हो जाएगी, बेचारी बड़ी उदास रहा करती थी। मैं बताती हूँ उसे। मंगला, अरे वो मंगला, मंगला, अरे वो मंगला, तूने कुछ सुना? तेरे मामा तेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत पढ़ा लिखा वर तय करके आए हैं। पगली, लोगों के भड़काने में आकर मैं तुझे बड़ी अभागन समझती थी, लेकिन तू तो बड़ी भागवान निकली रे। तेरे शादी से मेरे घर में खुशियों का तांता लग जाएगा, समझी बेटी? अरे ये क्या, तू रो रही है? पगली मैंने तुझे बहुत परेशान किया, इतना डांटा डपटा, लेकिन तूने कभी शिकायत नहीं की। आज मेरा मन रो रहा है, क्या करूं बेटी, गरीबी ने मुझे बहुत सताया, ममता ने मुझे बहुत मारा, इसीलिए मैं चीखती थी तेरे ऊपर, तुझे ही डांटती थी क्योंकि तू सीधी थी। बेटी अब तू चली जाएगी तो मैं किससे सताऊंगी, किससे डांटूंगी? मेरे कहे का बुरा नहीं मानना बेटी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे रानी। नमस्ते। नमस्ते जी, मुबारक हो आपको भी, आपको भी। कुछ हमें सेवा का मौका दीजिए, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। दीदी तुम तो बिल्कुल राजकुमार जैसी लग रही हो। जीजा जी भी तो राजकुमार जैसे होंगे। दीदी शादी के बाद तुम हमें छोड़ के चली जाओगी? मेरा सब कुछ छूट रहा है, घर आंगन तुम सब, किस किस को भूल पाऊंगी? मामी खरी खरी याद करेगी, मामा आते जाते पुकारेंगे, तुम सबके झगड़ों का कौन फैसला करेगा? पर यहाँ आया करोगी ना दीदी? बुलाओगी तो जरूर आऊंगी। बुलाओगी ना? जरूर बुलाऊंगी। लो बारात आ गई। Thank you.
क्या हुआ? सब खत्म हुआ। हाय राम। कितनी उम्मीदों से मैंने इस शादी की तैयारियां की थी। सोचा था इसके बाद अपनी बच्चियों की भी हाथ पीले कर दूंगी, लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर वही अंधेरे का अंधेरा। और सब इस डायन के कारण सब उलझन है। इसी के कारण मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। पता नहीं कौन सा श्राप लेकर ये डायन पैदा हुई है कि जहां जहां पाव रखती है वही वही आग लग जाती है। हे भगवान, अब बस भी करो। अरे कहां तक बर्दाश्त करूं? जिस दिन से घर में इस मनहूस के कदम पड़े हैं मेरा जीना मुश्किल हो गया है। इसके रहते मेरे घर में हंसी खुशी नहीं आ सकती है। चंडाली न मरती है न हमें जीने देती है। जाने इसके नसीब में और किस किस की मौत लिखी हुई है। हे दीन बंधु, तुमने द्रौपदी की लाश बचाई थी, आज मेरी लाश बचा लो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। तो डूब मरो, मैं भी तुम्हारे साथ डूब मरूंगी। ये सब नाम के भगवान है जो जन्म देते हैं पर जिंदगी नहीं देते। ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब आप मूर्तियों से शिकायत कर रही थी मैं सब सुन रहा था। ताज्जुब है इस हंसने खेलने की उम्र में कितनी मायूसी। परेशानियां उम्र देखकर नहीं आती। लेकिन इस तरह दुखड़ा रोने से परेशानियां जाती भी तो नहीं। तो और क्या किया जाए? सूखे झरने के नीचे हाथ फैलाने से प्यास नहीं बुझती। ये मूर्तियां आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। ये भगवान का मंदिर है, इंसान अपना दुख भगवान से ना कहे तो किससे कहे। बात यह है कि हम अपनी नासमझी के कारण भगवान को पहाड़ों में, गुफाओं में, तीर्थों में ढूंढते हैं या इन मंदिरों में इन मूर्तियों को पुकारते हैं। लेकिन भगवान तो सब जगह होता है और सच्चा मंदिर तो मन के अंदर होता है जहां वो बसते हैं। देखिए, अपने मन में देखिए, शायद वो भगवान आपको मुझ में भी मिल जाए। अगली गली में मेरा घर है। अच्छा है, एक बार देख लूंगा तो मिलने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं, गली के लोग आपको मेरे साथ देख लेंगे तो मेरी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए? समझते क्यों नहीं, आपसे मेरी जान पहचान नहीं है। पहली बार जब देखा था ना तो पहचान गया था और आज जान भी गया हूँ। लो, जान पहचान तो हो गई। बस अब आप यहीं से लौट जाइए। मैंने बढ़ना ही सीखा है, लौटना नहीं। रास्ते चाहे जिंदगी के हों या शहर के। आप किसी को ढूंढ रही थी? मैं चाहूं आप मुझे को तलाश कर रही थी कल शाम को 5 बजे कंपनी गार्डन्स में। आओगी ना? मानते हैं, वादे की बिल्कुल पक्की हो तुम। मैं तो समझा था तुम आओगी नहीं। डरते डरते आई हूँ। फिर वही डर, कभी घर दिखलाने में डर, कभी मिलने जुलने में डर, कभी मन की बात करने में डर। मंगला, ये डर है ना प्रेम का दुश्मन होता है। लेकिन ये डर एक औरत के लोकराज का सहारा होता है। इंसान का सबसे बड़ा सहारा प्रेम होता है। तुम्हारी बातों से लगता है तुम दीवाने हो गए हो। दीवाना नहीं, प्रेमी।
ना कहो मंगला, तन को तरसाओगी तो मन भी तरसेगा। मेरी बन जाओ अभी इसी वक्त। अनूप ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी बनूंगी जिस दिन तुम बारात लेकर आओगे। दादी आए हैं, मैं भी तो सुनूं, मेरी शकुंतला को कौन दुष्यंत मिल गया है। इतवार की शाम को वो अपने पिताजी के साथ आप लोग से मिलने आएंगे। देखे इसके लक्षण। ये हमने कितना सर पटका, शादी तय नहीं कर पाए। अच्छा है शादी करती है, खर्चा बच जाएगा और बला भी टलेगी। तन्हाई भी है, तुम भी हो, कहो तो लोगों की भीड़ लगा दूं, बुला लूं लोगों को। सच होगा, दुनिया की भीड़ में मैं अकेला रह जाता हूं। जब तुम मेरे करीब रहती हो ना तो ऐसा लगता है सारी दुनिया मेरे साथ है। ए देवी जी, तू तो बन ठन के बैठी है, तेरे प्रेमी के इंतजार में सब तक चूल्हा जलता रहेगा। बेचारा कहीं फंस गया होगा। कहीं नहीं फंस गया है, ये नाटक मैं सब जानती हूँ। चलो ही यहाँ से, ताकि अंदर अपना मुंह काला कर। नखरा करती है बेशरम कहीं की। अभागन है बेचारी, कहो तो इसकी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाए, कुछ तरकीब निकल आएगी। 12वें स्थान में मंगल पड़ा है, इसी ग्रह के प्रभाव से वर की हानि होगी। जब भी विवाह तय होगा कोई न कोई बाधा अवश्य आएगी, और अगर आपने इसका विवाह कर भी दिया तो कन्या विधवा हो जाएगी। मंगला का विवाह अगर किसी अपाहिज से कर दिया जाए तो बात बन सकती है। अपाहिज? हाँ, यानी लूला, लंगड़ा या अंधा। नहीं महाराज नहीं, मैं मंगला का जीवन बर्बाद करना नहीं चाहता। तो दुग्गी पिटवाओ और ढूंढो, कितने अच्छे भले लड़के इस दाइन के लिए मरना चाहते हैं। मगर भगवान राम जी, कन्या का सुहाग सबसे बड़ी चीज है, इसी विवाह से मंगला सुहागिन रहेगी। तो महाराज जी, आपकी निगाह में कोई ऐसा लड़का हो तो बताइए ना। पड़ोस के शहर में एक अंध गायक है, अपनी गायनशाला चलाते हैं, अच्छा खासा मान सम्मान है। बनी धनी दबा मगम गगर, धनी दबा मगम गर पलकन से मग जाए। Thank you.
ga ga ma 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 pa pa ba ri ni ni sa ga re sa re sa ni sa ni da ni da pa ma ga ma ga re sa re sa ni sa pa ni pa ni se ma ji na palkan se palkan se palkan se जी, मैं तारा। तारा? मैंने पहचाना नहीं। मास्टर जी, इन्हें तो सारा शहर पहचानता है। इनकी माताजी मुन्नी बाई के एक-एक टुकड़े पर जुल के हजार-हजार टुकड़े हो जाया करते थे, और आजकल तो इनके गिरफ्तार पर भरे के भरे शहर उजड़ जाते हैं। तारा भाई, मैंने कोई झूठ कहा? जी नहीं। अच्छा मास्टर जी, मैं चलती हूँ। बिना कुछ कहे आप लौट रही हैं? कोई काम था आपको? सीखने आई थी, लेकिन मुझसे पहले मेरी शोहरत यहाँ पहुंच गई। लगता है मेरा यहाँ आना आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। हर संगीत प्रेमी के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। मास्टर जी, इन्हें दाखिला देने के बाद आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेरा मतलब यह है कि इन्हें दाखला देने के बाद शहर की हर कोठे वाली आपकी शागिर्द बन जाएगी। तो क्या हुआ? नाच कोई बुरी चीज नहीं। गाने की तरह नाच भी संगीत का एक अंग है। तारा जी, मैं आपको संगीत सिखाऊंगा। आप कल से आना शुरू कर दीजिए। जी अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। देखिए आनंद जी, आज हम सब एक बात का फैसला करने आए हैं, और वो ये है कि अगर एक नाचने वाली आपकी क्लास में बैठती है तो हमारे बच्चे आपकी क्लास में नहीं बैठेंगे। लेकिन ओझा साहब, नाच कोई बुरी चीज तो नहीं है। मगर ये बाजारू औरत है, इसके नाच गंदे होते हैं। भाई साहब, दुनिया की हर चीज में हमें अपने ही ख्यालों की झलक मिलती है। मुझे तो हर औरत पवित्र और हर कला भली लगती है। लेकिन आप समझ, मैं ये भेदभाव नहीं कर सकता। मेरे यहाँ किसी का अपमान नहीं होगा। आनंद जी, ऐसी औरतें अगर आपके यहाँ आने लगेंगी तो आपका और आपके स्कूल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। हर नेक काम के पीछे बदनामी चलती है, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। अगर आपकी यही जिद है तो सिर्फ यही औरत आपके स्कूल में रह जाएगी। शायद यही बेहतर होगा। जो लोग संगीत की पवित्रता को समझने के बदले समाज की गंदगी में भटकते हैं, वो लोग संगीत से दूर ही रहे तो अच्छा है। जो दुनिया को भूलकर संगीत सीखने के लिए आता है, उस्ताद की नजर में वही सच्चा शागिर्द है, और मुझे ऐसा शागिर्द मिल गया है। अगर आपकी यही जिद है तो हम अपने बच्चों को लिए जाते हैं। नहीं नहीं, आप अपने बच्चों को यहीं रहने दीजिए। मास्टर जी, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं तारा जी, आप नहीं जाएंगी। मैं दूर रहकर भी सीख लूंगी। आप इन्हें नाराज मत कीजिए। अपनी गलती मानने के बजाय कोई नाराज होता है तो होता रहे। मैं आपको संगीत सिखाऊंगा। आज आपकी शराफत का इम्तिहान हो गया आनंद जी। अब इस माहौल में हमारे बच्चे कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा ना, मैं जा रही हूँ, आपके बच्चे यहीं सीखेंगे। मास्टर जी, मैंने हमेशा दूसरों को खुशी देने की कोशिश की है। यहाँ आकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। अच्छा, नमस्ते। आप लोग भी जाइए। चलो भैया, चलो बेटी, चलो बेटी, आओ आप लोग। Go high.
और यहाँ तो क्या हुआ तारा जी? बात तो संगीत की है ना, और संगीत से हम दोनों को लगाव है। आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। आप वहां आ नहीं सकती, इसलिए मैं ही यहां चलाया। आनंद बाबू, ये जगह बहुत बदनाम है। आप शरीफ हैं, बदनाम हो जाएंगे। आप? मैं गोपीनाथ हूं, तारा का दोस्त। गोपीनाथ जी, आप शरीफ नहीं हैं? मैं अपनी शराफती के लिए बदनाम हूं। ऐसी बदनामी कौन नहीं चाहेगा? सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता आनंद बाबू, इसके लिए धोखा खाने की कोशिश करनी पड़ती है। आनंद बाबू, आप मेरी तालीम शुरू कीजिए। देखिए, मैं चाहता हूं मंगला को अंधेरे में ना रखा जाए। मैं उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन वो तो मुझे देख सकती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, शादी के लिए मर्दों का रूप और औरतों का गुण देखा जाता है। बेटी, इनके कहने का मतलब है कि शादी ब्याह में मर्दों का गुण और औरतों का रूप देखा जाता है। मंगला को आपने ये तो बता दिया होगा कि मैं देख नहीं सकता। सब कुछ बता दिया बेटा, सब कुछ। आनंद जी, वधू के मांगलिक सिंदूर कर दीजिए। शादी करके तुमने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार जानबूझकर किया जाता है। जो अनजाने में हो जाए उसे मैं उपकार नहीं मानती। अनजाने में? हाँ, मुझे आज ही पता लगा है कि आप देख नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे मामा ने कहा था कि तुम्हें सब कुछ बताया गया था। मुझे कुछ नहीं बताया गया। क्या हो गया मंगला? जिस शादी की बुनियाद झूठ पे रखी गई हो, मैं उसे शादी नहीं मानता। किसी के मानने ना मानने से क्या होता है, शादी तो शादी है। आपकी पत्नी बने रहने के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो शादी नहीं, शादी का मजाक है। शादी के नाम पर एक कलंक है। मैं ये शादी तुम पे लादना नहीं चाहता। तुम मेरा घर छोड़ने के लिए आजाद हो। औरत की तकदीर में पिंजरे ही पिंजरे लिखे होते हैं, उसे आप क्या आजाद करेंगे? वक्त बदलता है तो पिंजरे की शक्ल बदल जाती है। बचपन में मां बाप का पिंजरा, फिर पति का नहीं, पिंजरा। नहीं, नहीं। ये घर कभी पिंजरा नहीं बन सकता। तुम यहाँ हर तरह आजाद हो। अगर तुम अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, वरना तुम जब चाहो इस घर को छोड़ के जा सकती हो। चाहिए, आज आपकी सुहाग रात है। आपका ऐसी रात इस घर में आना मुनासिब नहीं। तारा, मेरी सुहाग रात शुरू होने से पहले खत्म हो गई है। ये शादी मंगला को धोखा देकर की गई है। जिस रिश्ते की बुनियाद फरेब पे हो, उसे मैं सच कहां तक मानूंगा? अगर मेरा यहाँ आना तुमको बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए।
बैठिए। तारा, मुझे थोड़ी शराब मिलेगी। लेकिन आप तो कभी नहीं पीते थे। आज पीना चाहता हूं। आनंद बाबू, शराब की तासीर समझे बिना इसे दोस्ती मत कीजिए। ये दिल के अफसाने भुलाती नहीं, उभारती है। इसे तो खुशी के मौके पर पीना चाहिए। लेकिन आप तो हमेशा पीते हैं। हमारी बात छोड़िए आनंद बाबू, हम तो डूब कर पारना चाहते हैं। बस भी करो गोपीनाथ। आनंद बाबू, आप पीना चाहते हैं ना, मैं आपको पिलाऊंगी। कैसी हो मंगला बेटी? मैं किसी की बेटी उची नहीं हूँ। तूने भी मुझे नहीं पहचाना? क्यों, आप मुझे भी अंधा समझते हैं? अंधी थी जब मैं आपके घर में रहती थी, तब आपको नहीं पहचानती थी। लेकिन आप, मेरी आंखें खुल गई है और मैं आपको अच्छी तरह पहचानती हूँ। अपने मामा से नाराज है? कोई नहीं है मेरा मामा। अगर आप मेरे मामा होते तो क्या मुझे इस तरह धोखा देते? बेटी, तेरी जलम कुंडली ऐसी थी। आग लगा दीजिए उस कुंडली को। मेरे सूख चैन में आग लगाकर आप उस कुंडली की दुआई दे रहे हैं? मैं लाचार था बेटी, ज्योतिषी ने यही सलाह दी थी। आपके ज्योतिषी मुझे भी मिले थे और कह रहे थे कि इस जन्म में मामा मामी की शक्ल तक नहीं देखना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चले जाइए यहाँ से। मैं कहा ना, चले जाइए यहाँ से। मंगला, मंगला जी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। ये सब श्रृंगार की चीजें हैं। ये काजल है, सुनो इसे जरा संभाल के लगाना। कहते हैं एक सुंदरी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी तो तेज निगाहों से उसकी उंगलियां कट गई। और ये बिंदिया है, आकाश के चंदा की तरह तुम्हारे माथे पर इखलाएगी। और ये साड़ी है, तुम पे बहुत खिलेगी। आपको कैसे मालूम? पहले मैं सुंदरता देखता था, अब महसूस करता हूं। मंगला, मुझे तुम्हारी सुंदरता का एहसास है। साड़ी में तुम, तुम्हारे बदन पर साड़ी। क्या मेरे बदन से ये साड़ी ज्यादा खूबसूरत है? कभी नहीं। तुम्हारा बदन तो एक ज्वाला है, उस पर साड़ी तो क्या हवा को भी आग लग जाएगी। तुम मुझे हमेशा ऐसी बातें सुनाते रहोगे ना? हमेशा हमेशा हमेशा। क्या हुआ? एक कितर की शीशी भी लाया था। टूट गई। कौन? कैमल है। कैमल? अपनी जबान में कमल और अंग्रेजी में कैमल। वैसे मैं आदमी कमाल का हूं,
मैंने पहचाना नहीं आपको। पहचाना नहीं? अरे आपके दूर के चचा सुखी राम का करीब वाला बेटा दुखी राम उर्फ कमल। अच्छा जी, संगीत का शौक है? जी भैया, बरसों ग्वालियर घराने के उस्तादों की चिलम भरी है। आजकल मियां तानसेन की मजार दिल में लिए साजों का इलाज करता हूँ। साजों का इलाज? जी। वो क्या है? जी, दिल से दिल रुबा तक, तन्हाई से शनहाई तक, अबला से तबला तक, जो भी बेसुरा होता है उसे खींच कर सुर में ले आता हूँ। लेकिन यहाँ कोई बेसुरा नहीं है। चलेगा भैया, मैंने चूल्हा चक्की से लेकर तेल मालिश चंपी तक सबका रियाज किया है। आप एक बार मौका दीजिए, आपकी साज उठाऊंगा, आपके नाज भी उठाऊंगा। भैया एक 10 रुपए देना, रिक्शे वाले को देने हैं। बहुत पहुंचे हुए लगते हो। आपकी दया है भैया। ले लो 10 रुपए। ये 10 रुपए। ए रिक्शे वाले, ये ले अपने 10 रुपए, जा यहां से, चल। भैया मैं अपना सामान कहाँ रखूं? ये कहाँ चली आ रही है, चल चल सामान उठा। बहुत ऐश लूट ली तुम लोगों ने, अब नहीं चलेगा, चल सामान उठा। कौन आया है? मैं हूँ। अरे मंगला, कमल, ये तुम्हारी भाभी है। हाँ, चल चल सामान। भाभी, भाभी तुम माँ बराबर होती है। माँ मुझे माफ कर दो, अपने आंचल में छुपा लो कि मेरा और कौन। अरे इन्हें मना कीजिए ना, ये मेरे पैर पकड़ी हुए हैं। मंगला, इन्हें माफ कर दो, वैसे ये हमारे रिश्तेदार हैं। मेरी क्लास का वो पुराना कमरा है ना, वहां इनका सामान रखवा दो। मेरे राजा भैया, भैया भैया भैया, राजा 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 राम भैया, राजा राजा भैया भैया राजा। क्या ख्याल है मास्टर जी? ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है। कमल भाई तो कहते थे कि इसका सुधरना बहुत मुश्किल है। अजी वो शागिर्द क्या जो उस्ताद की मुश्किल ना हर कर सके। कितना खर्च हुआ? मुझे तो आपसे एक पैसा नहीं लेना चाहिए, मुझे तो शर्म आती है। नहीं नहीं, फिर भी इसकी बनवाई के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। अगर आप पैसे देकर खुश होना चाहते हैं, दे दीजिए। मास्टर जी 100 रुपया ले लिया है। शर्म नहीं आती? मालिक को अपना झूठा दूध पिलाएगी? बीबी जी, जा निकल यहां से, चोर कहेगी, निकल यहां से। मंगला, क्या बात है, तुम राधा को इतना डांट क्यों रही थी? आपको दूध देने से पहले आधा दूध खुद पी गई थी और लोगों की तरह ये भी आपको बेवकूफ बना रही थी। नहीं मंगला, मुझे बेवकूफ बनाती है मेरी कमजोरी, मेरा अकेलापन। अब आप अकेले का, मैं भी तो हूं यहाँ, आज से इस घर का सारा काम मैं खुद करूंगी। तुम अकेली कर सकोगी? क्यों नहीं, मामा की वहां इससे कई गुना ज्यादा काम करती थी। वहां की बात और थी, वो तो तुम्हारा घर था, अब मेरा घर ये है। Yeah.
पाजेब कह रही है तुम बहुत खुश हो। अंदर आइए ना। इस कमरे की महक कह रही है आज वसंत आया है। इस दरवाजे तक आकर एक रात वसंत लौट गया था। वो रातों की रात हमारे लिए बिरह की रात बन गई थी। मैंने सोचा आज की रात को हम सुहागन बना दें। मंगला, आपने मुझ पर फैसला छोड़ा था ना? मैंने तय कर लिया है, जब तक सांस है इन्हीं बाहों में बसेरा करूंगी और उसके बाद इन्हीं कंधों पर चीता तक जाऊंगी। मंगला, कैसा लगा यह हार? बहुत सुंदर। माँ इसे पहना करती थी। बरसों पहले उन्होंने मुझे यह हार दिया था और कहा था मेरी बहू को ये पहनाना। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, हार के साथ मुझे माँ जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। बचपन में बटन लगाने के लिए मैं माँ को पूरे मोहल्ले में दौड़ाता था। आज तुम बटन लगा रही हो और मैं हिल भी नहीं सकता। आज भी मन भागने को करता है? नहीं, अब मैं भागना नहीं चाहता। कौन प्यासा गंगा का किनारा छोड़ेगा? जब प्यास बुझ जाएगी उसके बाद? नहीं मंगला, कभी नहीं। ना ये प्यास बुझेगी ना मैं तुमसे दूर जाऊंगा। सुइयों को सिर्फ चुभना आता है। और आपको क्या आता है? चुभन का दर्द पीना। Thank you.
आपके घर में इस तरह और कौन घुस सकता है? अच्छा अच्छा नो, बहुत दिनों बाद आया। मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, पहले भाभी से मिलवाइए। अच्छा मंगला, मैंने तुम्हें शादी पे नहीं बुलाया इसलिए नाराज हो ना। जी। खैर कोई बात नहीं, मंगला को देखते ही तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मंगला ये मेरा दोस्त अनूप है। नमस्ते। नमस्ते। इनके पिताजी ने ही मेरा स्कूल खुलवाया था और ये भी हमेशा मेरे स्कूल की मदद करते रहते हैं। बड़े एहसान है इनके मुझ पे। अब छोड़िए भी, क्या बातें लेके बैठ गए आप। मंगला इनका सामान अंदर रखवा लो। मेरा सामान तो होटल में है। बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जब मैं यहाँ अकेला था, तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तब तुम यहाँ रहते थे, और अब जब मंगला आ गई है तो तुम होटल में रहोगे। शायद इन्हें वहाँ ज्यादा आराम हो। कमाल है, होटल होटल है, घर घर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे कमाल। जी भैया। इनके साथ होटल जाकर इनका सामान यहाँ ले आओ। जो आज्ञा। नहीं आनंद जी, मेरे ख्याल से तुम चुप रहो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। जाओ कमल जी। आइए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आनंद जी की बहुत करीबी। कहीं आप उनके मामा के लड़के तो नहीं? नहीं नहीं। मौसा के? ये भी नहीं। फूफा के? जी बात यह है, मैं आनंद जी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। सिर्फ दोस्त? मैं तो डर ही गया था। वैसे आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचाना? वो मैं आनंद जी का बड़ा नजदीकी रिश्तेदार हूँ। मैं उनके मामा के चाचा के ताए का लड़का हूँ। जी नहीं समझे, रिश्ता अपना विलंबित में है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। चलें। चलिए। अनूप, मंगला के बारे में एक बात मैं हमेशा जानना चाहता था, लेकिन आज तक किसी से पूछ नहीं सका। तुमसे पूछ सकता हूँ। लोग जो मंगला के बारे में कहते हैं, बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं? यही कि ये बहुत सुंदर है। अच्छा एक बात बताओ, इनकी सुंदरता में सबसे सुंदर क्या है? आंखें। सुंदरता को हमेशा सुंदरता ही देखनी चाहिए। बाग, पेड़, फूल, थिएटर, ड्रामा, सिनेमा, ये सब मंगला को देखना चाहिए। मैं तो इन्हें दिखा नहीं सकता, तुम ही ये सब दिखा लो। इनके साथ? नहीं, मैं चलूंगी तो सिर्फ आपके साथ ही। मेरी बात मान लो मंगला, बाहर जाओगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा, यूं घर में बैठे बैठे कब तक घुटती रहोगी? मैं घर में ही खुश हूं। तो अपनी ये खुशियां बाहर जाकर बिखेरो। तुम्हें मेरे घर नहीं ठहरना चाहिए था। मैं जानता हूं मंगला, लेकिन मैं आनंद जी की बात टाल नहीं सका। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। तुम चाहते तो कोई भी बहाना बना सकते थे। तुम्हें देखते ही अरमान जाग उठे और सारे बहाने भूल गया। तुम तो सिर्फ वादा भुला करते थे, याद है? एक दिन तुमने मुझे मैं जानता हूं मंगला, लेकिन बदकिस्मती ने वादा पूरा करने नहीं दिया। जब डैडी को मैं तुम्हारे घर लाने के लिए कलकत्ता पहुंचा तो वो मुझे मौत के दरवाजे पर मिले और मैं उसी में उलझ गया। और कुछ महीने बाद जब उनके साथ लौटा तो मेरे प्यार का गला घुट चुका था। अपना अपना भाग है अनु, मुझे तो अपनी शादी से सब कुछ मिल गया है, सच्चा प्यार मिला है। तुम्हें कुछ तो मेरा ख्याल करना ही होगा। अनूप तुम तो जानते हो, जब मुझ पर किसी का अधिकार नहीं था तभी तुम मुझे तोड़ नहीं पाए थे, और अब मैं जिनकी पत्नी हूँ उनकी पूजा करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ। ये प्यार, अपनापन मैंने बड़े मुश्किल से पाया है अनूप। अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है तो मेरा बसा बसाए घर मत उजाड़ो। Thank you.
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। क्या बात है मंगला? मुझे विश्वास नहीं आता कि तुम मेरे बगैर खुश रह सकती हो। इतनी रात के इस बात के लिए तुमने मुझे बुलाया? तुम्हारी तो आंखें हैं, दिखता नहीं मैं कितनी खुश हूं। इसलिए तो कहता हूं कि तुम खुश नहीं हो, तुम अपने साथ मुझे भी धोखा दे रही हो। मंगला, दुनियादारी के लिए अपने जज्बातों का गला घोटना ठीक नहीं। मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। गलतफहमी है, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। ये झूठ है, तुम मुझसे प्यार करती हो, करती हो, करती हो। अगर अपने आप को नहीं समझ सकते तो यहां से चले जाओ। चले जाओ, आओ मेरे साथ। देखो अपने आप को, देखो मेरी आंखों से देखो, और उन आंखों को भूल जाओ जिन्हें इस रूप की कशिश का एहसास भी नहीं। अपने अरमानों से इतनी दुश्मनी अच्छी नहीं। आओ मंगला, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां दे दूंगा जो मंगला तुम मेरी हो। नहीं तुमसे शादी नहीं हो सकती। मैं चिल्लाऊंगी अनूप, तुमने मुझे मजबूर किया है, सुबह होते ही मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। इनकी गोलियां? लेकिन मैं तो कभी नींद की गोलियां नहीं खाता। लेकिन मुझे तो नींद की गोली की खाली कागज रसोई घर में मिले हैं, ये देखिए आनंद जी। इसलिए मेरा सर इतना भारी है। लेकिन ये वहां कैसे पहुंच गया, और फिर मुझे किसने दी होंगी सिवाय मंगला? हाँ आनंद जी, मैं भी यही कहना चाहता था, ये गोलियां आपको मंगला जी ने दी हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? इसलिए क्योंकि मेरे साथ गुजारा हुआ पुराना वक्त वो वापस लाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त? हाँ आनंद जी, वो मुझे शादी के पहले ही जानती थी। हम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि बात शादी तक बढ़ गई थी। इसलिए जब मैं यहां आकर ठहरा तो उनकी कमजोरी जाग उठी। जब उनके साथ बाहर गया तो कमजोरी ने उन्हें और उभारा, और कल रात आना जी, कल रात तो उन्होंने अपनी मर्यादा भी छोड़ दी। मुझे तो आपकी दोस्ती का ख्याल था आना जी, इसलिए मैं बात बचा गया। अब मैं यहां नहीं ठहरूंगा। यह हार उन्होंने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर फेंक दिया था। शादी से पहले अनूप को जानती थी? जी। उसे प्यार करती थी? जी। उससे शादी भी करना चाहती थी? जी। फिर मुझसे झूठ क्यों बोली? क्यों धोखा दिया मुझे? अपने मन का चोर छुपाकर क्यों बहलाती रही मुझे? बोलो, जवाब दो। औरत की तकदीर में पिंजरे ही पिंजरे लिखे होते हैं, उसे आप क्या आजाद करेंगे? वक्त बदलता है तो पिंजरे की शक्ल बदल जाती है। मंगला, ये मेरा दोस्त अनूप है,
नमस्ते। नमस्ते मंगला, इनका सामान अंदर रखवा लो। मेरा सामान तो होटल में है। जब मैं यहाँ अकेला था, तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तब तुम यहाँ रहते थे, और अब जब मंगला आ गई है तो तुम होटल में रहोगे। शायद इन्हें वहाँ ज्यादा आराम हो। अच्छा एक बात बताओ, इनकी सुंदरता में सबसे सुंदर क्या है? आंखें। अब समझ में आ रहा है, अनूप से निराश होकर तुमने मेरा हाथ थामा। ये झूठ है। तुम्हें सच क्या है? सच सच ये है कि अनूप अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ, और इसलिए उसने जलकर सच को गलत ढंग से आपके सामने रखा, और कल रात उसने मुझसे बदतमीजी करनी चाहिए। उसने बदतमीजी करनी चाहिए, या तुमने मुझे गोलियां खिलाकर उसे फुसलाना चाहा? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे सोचा कैसे कि मैं ऐसे का? मैं और कुछ सुना नहीं चाहता। अंधा तो था ही, तुम्हारी प्रेम कहानी सुनने से पहले मैं बहरा हो जाता तो अच्छा था। मैं अपनी सुहाग की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। पाप तो मैंने किया है, तुमसे शादी करके मैंने पाप किया, तुम्हारी बेरुखी को भुलाकर मैंने पाप किया, तुम पर विश्वास करके मैंने पाप किया, सारे पाप मैंने किए, सिर्फ मैंने। बिंदिया जगाए, बिंदिया जगाए हो रामा, बिंदिया न आए, आए बिंदिया जगाए, परिकारी रसिया में ज्योति चम जगाए।
क्यों आई? मामी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। उन्हें मेरे क्षेत्र पर शक हो गया है। एक आप ही लोग हो जो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। सुने ना मामी, मुझे भी एक ज्योतिषी मिला था, कह रहा था कि जीवन में सुखी रहना चाहती हो तो अपनी भांजी की शक्ल भी नहीं देखना। बच्चों की माँ, तुम चुप रहो जी। मैं अपने घर पर इसकी सलाह भी नहीं देखना चाहती। चल यहाँ से। मामी, अरे चल यहाँ से, तो आई कहीं भी। भाभी, सुनिए, आनंद बाबू घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। आपके लिए ये खत दिया है। आदमी जिसे प्यार करता है उसी के हाथों ठगा भी जाता है। हमारा साथ रेल की पटरियों का साथ था, जो पास रहकर भी कभी नहीं मिल पाती। मैं ये घर और इस घर की हर चीज तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं। सिर्फ एक चीज अपने साथ ले जा रहा हूं, अपनी मां का हार, जिसकी ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही जिसके तुम काबिल हो। सिर्फ घर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। जो कुछ भी हुआ उसे हिम्मत से बर्दाश्त करना होगा। तारा, मैं प्यास बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ग्लास का होंठों से लगकर टूट जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मंगला मेरी जिंदगी में ना आई होती तो अच्छा था। ये शहर, शहर की गलियां, गलियों के लोग, सभी तो उसकी याद दिलाएंगे। तो आप ये शहर भी छोड़ दीजिए। मेरा भी ये ख्याल है। आपकी कला के लिए ये शहर बहुत छोटा है। बम्बई जैसा बड़ा शहर ही आपकी सही कीमत कर सकता है। बम्बई? लेकिन मैं अकेला। अकेले क्यों, हम आपके साथ चलेंगे। आप? तारा भी इस बाजार से उब गई है। वो संगीत में आपका साथ देगी और मैं हाथों के प्रोग्राम करवाऊंगा। गोपीनाथ जी, ये शहर हम आज ही छोड़ देंगे। अंधेरी रात में आए थे जो शमा बनके उजाला दे न सके, रह गए जबाती खुश्क लबों पर थी मोरे खामोशी, जबाती खुश्क लबों पर थी मोरे खामोशी, नजर सुना न सकी दास्तां जबां बनके। अंधेरी तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों की देखभाल करना है। बच्चों, आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटे। संगीत प्रेमियों, आवाज के जादू से सारे मुल्क में तहलका मचाने के बाद सुर सम्राट आनंद जी आपके सामने अपनी नई चीज पेश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी आपको उनकी आवाज में अपनी सदाएं सुनाई देंगी।
अगर पीना जरूरी था तो पी कर गाने बैठते। बैठिए, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर अपने आप को छुपा सकता तो मैं भी साधु कहलाता। खैर छोड़ो, दो शराब दो मुझे। और मत पीछे भैया, नुकसान करेगी। दो शराब मुझे कमाल, शराब के बगैर मैं गा नहीं सकूंगा। यानी अब आपके संगीत में रियाज नहीं, सिर्फ शराब रह गई है। तारा इन्हें पीने दो, तुम स्टेज पे चलो, हॉल में हंगामा मचा हुआ है। मैं अनाउंस करता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आनंद जी कुछ देर में अपना गाना पेश करेंगे, तब तक तारा देवी से रास लीला की एक झलक देखिए। तारा? अरे भाई तारा कौन? अरे होगी कोई सूरदास की चिंता मणि, अबे देखता रहना। टुकड़े में तबाही। भाई वाह, अपने पैसे तो इस नाच में वसूल हो गए। आइए। दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं, मेरी कमजोरी आपको रास नहीं आई। इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं कमजोर हूं इसलिए इंसान हूं, और इंसान हूं इसलिए कमजोर हूं। मैं आज गीत नहीं गाऊंगा, आज मैं आपके सामने अपने कमजोरी की दलील पेश करूंगा।
लोग कहते हैं मैं एक फनकार हूँ, अपनी शोहरत से पर मैं शर्मसार हूँ। मुझसे पूछो गई तो मैं कुछ भी नहीं, गिरती टूटी हुई एक दीवार हूँ। थोड़ी शराब पी लूं, थोड़ी शराब पी लूं, हो जाए कुछ सहारा, दोस्त तो तुम्हें क्या, ऐ दोस्त तो तुम्हें क्या, ये भी नहीं गवारा, थोड़ी शराब पी। बर्बाद कर दिया। वो कैसे? सुना है किसी और मर्द के साथ इसका। अच्छा, कितना दर्द है उसकी आवाज में। न जाने कितनी बेरहम औरत थी वो जिसने ऐसा जुल्म किया। गया हूँ मंजिल से दूर
गायक रहते हैं ना उनके पास गाना गाना सुनने जाता है। वाह, नाम हुआ किसी का, काम हमारा बढ़ गया। चल हट, बोलो ना। अरे फाटक पिया, क्यों फटे हुए तबले की तरह चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? साहब देखो ना, पता नहीं किधर से आ जाता है। भाभी तुम जाओ यहाँ से। अच्छा साहब। भाभी आप यहाँ? कब से भटक रही हूँ भैया, कल रात उनको देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं जानती हूँ मैं उनकी नजरों में गिर गई हूँ, फिर भी उनके चरणों में रहना चाहती हूँ। लेकिन भाभी वो तो आपका नाम सुनते ही आप इसे बाहर हो जाते हैं, और फिर आपकी आवाज सुनेंगे तो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। आवाज, मैं उनके आगे बात ही नहीं करूंगी, मैं गूंगी बन जाऊंगी भैया। गूंगी? अगर गंधारी ने अपने पति के लिए आंखों पे पट्टी बांध ली थी तो क्या मैं उनके सामने मुंह नहीं बंद कर सकती? लेकिन भाभी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, मैं पत्नी की जगह नहीं चाहती, दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। दासी? घर की मालकिन अब नौकरानी बनकर रहेगी? तो क्या हुआ भैया, मैं किसी भी तरह अपना धर्म निभाना चाहती हूँ। ठीक है भाभी। कौन? कौन है आप? साहब ये नई नौकरानी है, गूंगी है। गूंगी है? क्या नाम है इसका? दासी। दासी? अजीब नाम है। कमल बाबू ने इसे नौकरी दी है, बेचारी गूंगी है, इसलिए इसके आदमी ने इसको घर से निकाल दिया है। दासी, जल्दी से ग्लास और बोतल ले आओ। जी नहीं, पीना वीना बाद में, पहले काम की बात। कौन सा काम? कल का प्रोग्राम सुन लीजिए, 10 बजे मैंने टीवी वालों को बुलाया है, 11 बजे इनकम टैक्स एडवाइजर आ रहे हैं, और 12 बजे मैंने लखनऊ के एक शायर को नई गजलें लेकर बुलवाया है। तुम तो सुबह आ ही जाओगी, ये सब बातें सुबह कर लेंगे, इस वक्त आराम से पीने दो। एक ही पैक मिलेगा। ये तो जुल्म है तारा। आनंद जी, आप दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि आप पर वो सब लोग जुल्म करें जिन्हें आप अपना समझते हैं, और जुल्म करने का हक तो मेरा भी है। लेकिन बेचारी दासी मुझ पर जुल्म नहीं करेगी। दासी ले आओ बोतल।
दासी, शराब देना। दासी, सुना नहीं तुमने? शराब लाओ जल्दी। क्या आप एक रात भी बिना शराब के नहीं रह सकते? नहीं तारा, नहीं। शराब के बिना मुझे मुझे नींद नहीं आएगी। कोशिश तो कीजिए, वैसे भी आज शराब खत्म हो गई है। लेकिन कल ही तो नई बोतल खोली थी। कल आप इतने नशे में थे, आपको कुछ भी याद नहीं। वो बोतल खाली करने के बाद आप और मांग रहे थे। तो फिर तुमने दूसरी मंगवाई क्यों नहीं? आनंद बाबू, आजकल आप जितना पीने लगे हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। तारा, न पीना मेरी सेहत के लिए खराब है। मैं मुझे मुझे घबराहट हो रही है, मेरा बदन कांप रहा है। देखिए, अब तो दुकानें भी बंद हो गई होंगी। आज रहने दीजिए, मैं कल ला दूंगी। मैं जाता हूँ। कहाँ? मैं जाता हूँ। दासी, मैंने यहाँ एक बोतल रखी थी, कहाँ है वो? बोलती मुझे बहका देती है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैं देख नहीं सकता, तुम बोल नहीं सकती, लाचारी दोनों तरफ है। तुम्हारी नाराजगी का पता कैसे लगाऊं? दासी क्या कर रही थी? कुर्ते का बटन लगा रही थी। जी नहीं, आपके पैरों की धूल अपने सर पर लगा रही थी। पैरों की धूल सर पे लगा रही थी? क्यों? मैं क्या बताऊं, उससे भी तो नहीं पूछ सकती। आनंद बाबू, ये लड़की जवान है, खूबसूरत भी है, आप इसे इतना करीब लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आज पैरों की धूल सर पर लगाई है, कल मांग में सिंदूर भरेगी। हमें दुनिया में रहना है तो दुनिया के तौर तरीकों से दुश्मनी नहीं कर सकते। ये नौकरानी है, इसे नौकरानी की तरह ही रखना चाहिए। आज उन्होंने तुझे अपना कहा, पर किसको? मंगला को या दासी को? धोखे में मत आ मंगला, उन्हें आज दासी पर तरस आया था। मंगला से तो वो नफरत करते हैं। देख रही हूँ आपकी दासी को, आपके पीने का वक्त भी याद हो गया। हाँ, अब तो ये हालत है, अगर मैं कुछ भूल भी जाऊं ये नहीं भूलती। थोड़े ही दिनों में मेरी सारी जिम्मेदारियां इसने अपने ऊपर ले ली हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। देखा, इशारे से कह रही थी ये मेरा चौथा ग्लास है। तुमने कहा था ना ये बहुत खूबसूरत है। तारा,
खूबसूरती को मैंने कभी इतना खामोश नहीं पाया। वही कहानी, ये गूंगी है, इसके पति ने इसे निकाल दिया। मैं अंधा हूं इसलिए मंगला मुझे छोड़ गई। मंगला को आपने छोड़ा है तो क्या करता, वहीं रुकता और मंगला की बेवफाई की नुमाइश लगाता, अपने जमीर को मारकर अपने दोस्त और अपनी पत्नी के रंगरलियों का मजा लेता। मैंने तो शादी के बाद ही उसे आजाद कर दिया था, फिर प्रेम का नाटक उसी ने रचाया, मेरी सोई हुई इच्छाओं को उसी ने जगाया, उसी ने मुझे रंगीन सपने दिखाए। तारा, सपने जितने हल्के फुल्के होते हैं ना, उनकी लाश उतनी ही भारी होती है। बस कीजिए ना। पीने दो तारा, यादों के अंबार चार छह प्यालों में नहीं डूब पाएंगे। इन प्यालों में यादें नहीं डूबेंगी, आप डूब जाएंगे, आपकी हस्ती डूब जाएगी। अब तो जिंदगी मौत का इंतजार ही बन गई है। आपको ये मायूसी शोभा नहीं देती, मैं आपकी कसक समझती हूँ। आपको जीने के लिए नई जमीन, नई उम्मीदें और नया प्यार चाहिए। नहीं तारा, वही पुरानी यादें। दासी शराब दो। और कितनी पियेंगे, कब तक पियेंगे? जब तक होश रहे। दासी, पुरानी चिल्मने उठा, पुरानी चिल्मने उठा, पुरानी चिल्मने उठा।
अपने गाने पर मर्दों की वाहवाह अब रोज सुनते हैं, कभी औरतों के आंसू देखने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं दूसरों का दर्द महसूस कर लेता हूं। अगर आप चाहें ये सब कुछ देख भी सकते हैं। वो कैसे? मेरा एक दोस्त कमाल का सर्जन है, मुझे यकीन है वह आपकी आंखों की रोशनी लौटा सकता है। नहीं गोपीनाथ जी, बाहर की रोशनी मेरे भीतर के अंधेरे को और गहरा कर देगी। मैं वैसे ही ठीक हूं, और फिर आंखें पाकर मैं किसे देखूंगा, किसे पहचानूंगा? सभी तो नकाब लगाए हुए हैं। तारों को देखकर आपके हालात बदल जाएंगे। मेरी बात रहने दीजिए, आप तारा की सोचिए। बहुत सोच चुका। अगर मेरा साथ उन्हें खुशी दे सकता है तो मैं ये सवाल लेकर आपके पास आता ही नहीं। नहीं गोपीनाथ जी, मुझसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या इसलिए तारा के प्यार में आप कोई कमी पाते हैं? क्या इसलिए तारा का बिता हुआ कल आप भूल नहीं सकते? मैं तो अपना बीता हुआ कल भूलना चाहता हूं, तारा का बीता हुआ कल कैसे याद करूंगा? मैं जानता हूं वो बहुत नेक है, शरीफ है, किसी भी जिंदगी में बाहर ला सकती है, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन मेरी जिंदगी जिंदगी है कहां? मैं तो जिंदगी के टुकड़ों को सांस के सहारे किसी भी तरह खींच रहा हूं। नहीं गोपीनाथ जी, मैं उसके लायक नहीं। ये तुमने अच्छा नहीं किया गोपीनाथ, तुम्हें करना चाहिए था। मुझे गलती हो गई तारा, लेकिन मेरी बात मानो, तुम कोई अच्छे साथ में देकर कर लो, जैसे तुम्हारा आने वाला कल सफर जाएगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तारा, जिंदगी में मैंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा और तुमने नहीं कर दी। गोपीनाथ, तुम किस मिट्टी के बने हो? मेरे कल की फिक्र है, अपने कल की फिक्र नहीं? आखिर ऐसा क्या है मुझ में? और अगर मैं ये पूछूं उस अंधे संगीतकार में ऐसा क्या है जो तुम जैसे खूबसूरत लड़की उसकी खातिर अपने आप को मिटा रही है? तो सच बात तो यह है तारा, हम दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं। कभी उस कुमार से मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा हमें ऐसी मिट्टी से क्यों बनाया। आज करवा चौथ है, सुहागन अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रखती है। मैंने भी आज व्रत रखा है। भगवान करे आप हजारों साल जिए और मैं हमेशा इसी तरह आपकी दासी बनी। कैसा लगा यह हार? बहुत सुंदर। माँ इसे पहना करती थी, बरसों पहले उन्होंने मुझे यह हार दिया था और कहा था मेरी बहू को यह पहनाना। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मंगला, मैं ये घर और इस घर की हर चीज तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज अपने साथ ले जा रहा हूँ, अपनी माँ का हार। Thank you.
रही थी? कौन? आपकी दासी हार चुरा रही थी। दासी? तुम चोरी कर रही थी? हाँ, अलमारी खुली है और हाथ में ही हार था। दासी, तुमने इस हार को बहुत कीमती समझा होगा। जिसे इसकी कीमत करनी थी वही इसकी कीमत नहीं कर पाई। उसने यह हार तोड़ा, संबंध तोड़े और मुझे भी तोड़ गई। खैर, ये रख लो तुम, और आइंदा चोरी करके गरीबी को बदनाम मत करना। ये क्या कर रहे हैं आप? सजा देने के बजाय इनाम दे रहे थे। बिना दलील सुने सजा देना भी तो ठीक नहीं है, और फिर बेचारी गूंगी है, अपनी सफाई भी तो नहीं दे सकती, होगी कोई मजबूरी। ये हार बहुत खूबसूरत है। ये मेरी माँ की निशानी है, मेरे लिए बहुत कीमती है। ऐसे नौकरों के बीच कब तक बचेगा? आप कहें तो मैं इसे अपने पास संभाल के रख लूं। तुम इसे रखोगी? हाँ। ठीक है, रख लो। आनंद जी, दोस्तों, आनंद जी सारे मुल्क के जाने माने कलाकार हैं। हमारे क्लब का एक छोटा सा तोहफा उनकी शान में बहुत अदना सा है, फिर भी इसे हमारी मोहब्बत और इज्जत की निशानी समझकर कबूल किया। मैं आनंद जी से भाषण देने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये इनकी आदत नहीं है, फिर भी इनसे गुजारिश जरूर करूंगा कि ये आपके सवालों का जवाब देने की तकलीफ गवारा करें। तो लीजिए, सवाल आपके और जवाब आनंद जी के। आइए आनंद जी। आनंद जी, कुछ लोग कहते हैं कि गायक के दिल में दर्द हो तो वो लोगों के दिलों में दर्द पैदा कर सकता है। गायक के लिए ही नहीं, ये बात तो हर कलाकार के लिए सच है। आपके दिल में क्या दर्द है? क्या दर्द है, क्यों दर्द है, ये सवाल बेमानी है। दर्द है, यही बात सच है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपको अपनी बीवी के भाग जाने का दुख है, और उस दुख को भुलाने के लिए ही आप इन तारा देवी को अपने साथ रखते हैं। तारा जी भी एक कलाकार हैं, और दो कलाकारों का साथ बुरा तो नहीं है। तो आज तक आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? शायद इसलिए कि आप समाज में भले आदमी बनकर रहना चाहते हैं, और आज तक आप उन्हें बगैर शादी के अपने पास रखे हुए हैं। जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हो गए? मैं तारा जी से शादी करूंगा। कमल जी। भैया, तुम्हें एक जरूरी काम करना है। बतलाइए। मंगला का पता लगाना है। भैया, आपने कहा तो समझ लीजिए पता लग गया, लेकिन इस बेकरारी का सबब? वो जहां हो, जिसके भी साथ हो, उसे मिलो। मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। क्यों? मैं तारा से शादी करूंगा। भाभी, लगता है भैया को अब आपके बारे में सब कुछ बतलाना ही पड़ेगा। नहीं कमल, उनसे कुछ नहीं कहना,
मैं जिस हल में हूँ खुश हूँ। उन्हें तारा से शादी कर लेने दो। यानी आप भैया को तलाक? नहीं नहीं, मैं उन्हें किसी कीमत पर तलाक नहीं दे सकती। आप तलाक नहीं देंगी फिर भैया तारा से शादी कर? भाभी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम नहीं समझ पाओगे। गोपीनाथ का कहना था कि आप इस ऑपरेशन से कभी राजी नहीं होंगे। आनंद साहब जरा आगे आ जाइए, सर नीचे कीजिए। फर्स्ट क्लास। अब आप पीछे हो सकते हैं। आनंद साहब आपकी आंखों की रोशनी तो जरूर लौट आएगी, लेकिन जब तक कोई आंखें दान न करे आपको इंतजार करना पड़ेगा। अरे अरे अरे, कितनी बार कहूं कि संभल के काम क्या करो, तुम लोगों को समझाते समझाते तुम्हें तंग आ चुकी हूं। एक्सक्यूज मी जी, आनंद जी यही रहते हैं? जी हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है। ओह, आपकी तारीफ? जी मैं उनका पुराना दोस्त हूँ। अच्छा। काफी अरसे से मिला नहीं था, जब उनकी शोहरत के किस्से सुने तो मिलने चला आया। अच्छा, तशरीफ रखिए दासी। अरे हाँ, आप क्या लीजिएगा, ठंडा या गर्म? जी मैं नौकरानी है। क्यों, आप इसे जानते हैं? जी मैं शायद किसी और घर में देखा होगा। ओह, आप तो आनंद बाबू के पुराने दोस्त हैं, उनकी पत्नी को तो जरूर पहचानते होंगे। आनंद जी की पत्नी? हाँ, मंगला नाम था उसका। उनके एक दोस्त के साथ उसका कुछ, खैर छोड़िए, क्या आप ये बता सकते हैं कि मंगला ने उस दोस्त के साथ शादी की या नहीं? जी मैं उसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं आनंद जी को एक मुद्दत से नहीं मिला हूँ। खैर छोड़िए, घर तो देख चुका हूँ, फिर कभी आऊंगा। अरे सुनिए, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। नमस्ते। तुम झूठी हो, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ गया है इसलिए कि तुम गूंगी हो। तुम झूठी हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम मंगला हो। तुम्हारे पति ने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा है कि तुम गूंगी हो, तुम्हें इसलिए छोड़ा है कि तुम बच्चलन हो, और अब उसी पति के घर में नौकरानी बनकर रहने आई हो। अब तुम्हारा प्रेमी भी यहां आने लगा है। इस बार तुम दोनों ने मिलकर कौन सी चाल सोची है, बोलो तुम चाहती क्या हो? पैसा? कितना पैसा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहती हूँ तो सिर्फ ये कि उनके पास पड़ी रहूं। तुम तो उस घर में मालकिन बनकर आई थी ना, उन्होंने भी अपने सारे अरमान जुटाकर तुमसे प्यार किया था, ये प्यार ये घर तुमने ठुकराया। अब नौकरानी बनकर कौन सा सुख पाओगे? मंगला, तुमने प्यार एक मर्द से किया और शादी किसी दूसरे से, शादी के बाद भी तुम अपने पति के अंधेपन का फायदा उठाकर अपने प्रेमी के साथ रंग रलिया मनाती रही। माफ करना, तुम पत्नी के रूप में एक वेश्या निकली, और अब जब वो प्यार भरी जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं तो तुम उनके रास्ते में कांटे बिछाने आई हो। ये सच है कि मैंने शादी के पहले अनूप से प्यार किया था, और ये भी सच है कि शादी के बाद मैं उनके अंधेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाई, पर मैंने कभी उनसे विश्वासघात नहीं किया। हाँ ये बात है कि मैं उनके सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई, और अब करना भी नहीं चाहती। चाहती हूँ तो बस इतना कि जो मैंने खोया है उसे आप पालो। मैं अब उनकी दुल्हन देखना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो आपके साथ खुश रहेंगे, और मैं, मेरे लिए दासी की जगह हमेशा बनी रहे। आपको मेरी बेबसी की कसम, ये राज उनसे छुपा के रखना। मैं किसी भी हालत में चौकट नहीं छोड़ना चाहती। तुम सच कह रहे हो, और अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें यहां से जाना ही होगा।
और सच हो तो जब सच निकलेगी तब देखा जाएगा। अनूप, मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता तुम? मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, उसने कहा दिन बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसलिए तुमसे कहा था 2 महीने पहले डॉक्टर के पास आने के लिए। तुमने शादी के लिए कहा था ना, मैं इसीलिए रुक गई थी। शादी से इस बात का क्या मतलब? शादी तो होगी, लेकिन जब मैंने तुमसे कहा था डॉक्टर के पास जाने के लिए, तुम गई क्यों नहीं? इसलिए तुमसे कहा था, घबराओ मत, मैं किसी बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगा और मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? अरे अरे, ये क्या हो गया तुम्हें? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तुमसे मिली, इससे बड़ा एक्सीडेंट मेरी जिंदगी में दूसरा नहीं हो सकता। अरे अगर इस तरह गाड़ी चलाओगी तो एक और एक्सीडेंट हो जाएगा। आगे रास्ता तो देखो। जो रास्ता पीछे रह गया है उसे भी अच्छी तरह देख रही हूँ। उस रास्ते पर अनीता का होने वाला बच्चा रो रहा है। तुम अपने बारे में सोचो। मेरी जगह पर पहले अनीता थी और उससे पहले कौन थी? कोई भी नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम पे भरोसा किया तुमने उसे मिटा दिया, लेकिन अब यह नाटक तुम किसी और नहीं कर पाओगे। आज तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मरने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। ये क्या बचपना कर रही हो? अब तुम नहीं बचोगे। क्या कर रही हो? मैं तुम जैसे जलील इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन अब किसी लड़की के साथ ये बात नहीं होगी। मैंने कहा था ना, मैं तो मरूंगी ही, लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम इंसान नहीं शैतान, तुम्हारे कारण मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया गया। तुम मेरे बच्चे के खून के जिम्मेदार हो, तुम खूनी हो। तुम मुझे मंदिर में मिले तो मैं समझी कि तुम एक नेक इंसान हो, लेकिन तुम इतने कमीने निकले। तुमने ना मुझे मैं के घर रहने दिया ना ससुराल का। तुम जलील हो, शैतान हो, नीच हो। तुमने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम इंसान नहीं शैतान। तुमने ना मुझे मैं के घर रहने दिया ना ससुराल का। मैं तो मरूंगी लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुमने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। आपने मुझे क्यों बुलाया? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं अनूप हूँ। हाँ हाँ, आप आनंद जी के दोस्त हैं ना? जी हाँ, वही दोस्त जिसने दोस्ती का गला घोट दिया, जिसने एक नेक इंसान के अंधेपन का फायदा उठाकर इंसानियत पर कलंक लगाया।
जिसने एक शरीफ पत्नी से उसी के घर में वासना का घनौना खेल खेलना चाहा और जब कामयाब नहीं हुआ तो अपने आप को बचाने के लिए उसने पति के दिल में इतने जहर घोले कि उसने उसे घर से निकाल दिया और अब बेचारी मंगला अपने ही घर में दासी बनकर रहने पर मजबूर हो गई। मैं तो बहुत गिरा हुआ इंसान हूं तारा जी, लेकिन अपनी कमिंगे के हाथों मैंने जो कुछ भी किया अब आप वही अपनी शराफत के हाथों से करने जा रही है जी। आप ही तो मंगला से उसके पति को छीन रही हैं। ये मेरी वसीयत है, इसके मुताबिक मरने के बाद मेरी आंखें आनंद जी को मिलनी चाहिए। आनंद जी फिर से देखेंगे, मंगला को देखेंगे, उसके भोले चेहरे को देखेंगे। तारा जी ऐसा होगा ना? ऐसा होगा ना? गुड मॉर्निंग आनंद साहब। नमस्ते डॉक्टर। मुबारक हो भाई, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आपको इंतजार था। 10-1 मिनट बाद आपकी पट्टी ही नहीं खुलेगी बल्कि आपकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होगा, एक नई सुबह होगी। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, मैंने फैसला किया था जब मुझे आंखों की जोत मिलेगी मैं तारा से शादी करूंगा। नर्स जरा कर्टन की। यस डॉक्टर। तूने फैसला किया था कि जिस दिन इनकी आंखों की जोत लौट आएगी तू अपनी जिंदगी की जोत हमेशा के लिए बुझा देगी। और तूने ये फैसला किया था कि जिस दिन इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी तू मंगला को उसका हक दिलाकर उनके रास्ते से हट जाएगी। हिंदुस्तानी औरत को बचपन से ये शिक्षा दी जाती है जिस घर में उसकी डोली जाए उसी घर से उसकी आरती भी निकलनी चाहिए। नहीं मंगला, आनंद बाबू तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। नहीं, मेरे थे, अब वो तुम्हारे। सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? उनकी खुशी क्या है? वो मुझसे नफरत करते हैं, उससे नफरत करते हैं। मंगला, मैं उनके दिल से नफरत दूर कर दूंगी, तुम्हारी बेगुनाही का यकीन दिलाऊंगी। नफरत की दरार अब क्या मिटेगी? मैं तलाक लेकर जीना नहीं चाहती, मुझे सुहागनी मर जाने दो।
उन्हें रुक जाओ तारा। मंगला, मंगला से पहचानते हो? ये उनकी माँ का हार है। तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हाँ, लेकिन लेकिन तुम कैसे सुहागन हो जो बिना साज श्रृंगार के जा रहे हो? लो, इसे पहन लो मंगला, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लो 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 मंगला। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। देख सकता हूँ डॉक्टर साहब, मैं देख सकता हूँ। भैया कमल। हाँ भैया। तारा कहाँ है? इन्हें देखिए। इनमें से आप अपनी तारा को पहचान सकते हैं? मंगला का यही अधिकार है। मंगला गंगा की तरह पवित्र है। तुम कैसे जानती हो? अनूप का एक्सीडेंट हुआ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मरने से पहले उसने मंगला को निर्दोष ठहराया और अपनी आंखें आपको दान करके अपने पापों का प्रायश्चित किया और आपसे क्षमा मांगी। बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया। मैं बेसहारा कहाँ थी, हमेशा तो आपके पास ही थी। मेरे पास? दासी बन के। दासी? तुम थी वो? मतलब मैं तुम्हारे सामने तुमको दिन रात कोसता रहा, गालियां देता रहा। मुझे माफ कर दो मंगला। नहीं। तारा कहाँ जा रही हो? कहाँ जाते हैं ऐसे लोग जिन्हें मंजिल और रास्ता एक साथ मिलता है,
कहां जाते हैं ऐसे लोग जिनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं? कहां जाते हैं ऐसे लोग जिनके लिए खोने और पाने का फर्क मिट जाता है? तुमने मेरा खोया हुआ सुहाग लौटाया है, तुम नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई तो इस घर में आई हुई खुशियां लौट जाएंगी। इस घर में खुशियां आ गई हैं, अब जाएंगी नहीं, जाएंगे सिर्फ जाने वाले। मैं जन्म से वैश्या थी, आनंद जी ने मिले होते तो मैं आज भी किसी बाजार में मुजरा कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आनंद जी ने मुझे संवारा, समाज में इज्जत के काबिल बनाया, संगीत के गहनों से मुझे दुल्हन की तरह सजाया। अब विदाई की घड़ी आ गई है। इस वक्त आपकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे। आप ऐसे तो नहीं जाएंगे ना? हाँ,